बालाघाट जिले की राइस नगरी वारा सिवनी के हृदयस्थल में स्थित शंकर तालाब में इन दिनों जीर्णोद्धार गहरीकरण तथा तालाब सफाई कार्य युद्ध गति से चल रहा है, जिसका निरीक्षण वारा सिवनी खेर लांचे के निर्दलीय विधायक एवं कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने किया। इस दौरान उन्होंने बरसात पूर्व तालाब की सफाई कार्य पूर्ण करने के कड़ाई से निर्देश दिए तथा वहाँ कार्य कर रहे कर्मियों तथा ठेकेदारों से बात की। यही नहीं बल्कि शंकर तालाब में हो रहे कार्यो की गुणवत्ता को भी बारीकी से देखा। आपको बता दें कि वारा सिवनी नगर के जलस्तर को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शंकर तालाब की विगत कई वर्षों से जीर्णोद्धार तथा सफाई की मांग यहां के नागरिक द्वारा की जा रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए गुड्डा जायसवाल ने निर्दलीय विधायक बनने के बाद पहली प्राथमिकता में इस तालाब के कायाकल्प के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत कराकर शंकर तालाब का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ कराया है। वारा सिवनी नगर के मध्य में स्थित यह तालाब लगभग 25 एकड़ से ज़्यादा जगह पर फैला वारा सिवनी नगर का सबसे पुराना तालाब है, जिसकी अनदेखी के कारण इसमें कचरा, गादा तथा जलकुंभी ने अपना स्थान बना लिया था। तालाब की सफाई जीर्णोद्धार कार्य के साथ ही इसके आसपास के परिसर को गार्डन नुमा आकार देकर सजाया जाएगा। शंकर तालाब के औचक निरीक्षण में पहुंचे गुड्डा जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि तालाब के जीर्णोद्धार के साथ इसके बीचों बीच भगवान शंकर की मूर्ति तथा फव्वारा लगवाया जाएगा, साथ ही तालाब के चारों ओर स्टील पाइप की बाउंड्री वाल भी लगवाई जाएगी। बरसात पूर्व तालाब के अंदर की सफाई पूर्ण कर ली जाएगी। इसे बालाघाट जिले का सबसे सुंदर और सुसज्जित तालाब बनाया जाएगा। जी भैया, बताएंगे आज आप शंकर तालाब के निरीक्षण में आए हैं, कितनी लागत से इसका जो है जो कार्य यहाँ पर किया जा रहा है सौंदर्यीकरण का, और क्या क्या कार्य किया जा रहा है? देखिए, वारा सिवनी की जो हृदय स्थल है, जहाँ पर शंकर तालाब 100 वर्षों का पुराना तालाब है, जिससे चलते पूरे वारा सिवनी शहर का जो निस्तारी का कार्यक्रम होता है, और इसके कारण वारा सिवनी क्षेत्र का वाटर लेवल भी हमेशा बना रहता है, और इसका सौंदर्यीकरण चूँकि बहुत पुराना तालाब है, अभी पिछले बार जब मंत्री काल में मैंने 1 करोड़ रुपये स्वीकार कराया था इसमें, और उसका सौंदर्यीकरण कार्य चल रहा है, गहरीकरण भी हम कर रहे हैं इसका, ताकि इसकी सिंचाई की क्षमता बढ़े, और जो वाटर लेवल वारा सिवनी क्षेत्र का है शहर का वो और बढ़े, और गहरीकरण के साथ साथ इसका जो आप देख रहे हैं चारों तरफ सौंदर्यीकरण चल रहा है। और इसे हमने ये प्रयास किया है कि पिछले 100 वर्षों में तालाब जब से बना है तब से इसके अंदर जितना कचरा जमा हुआ था 100 वर्षों में, इसको जलकुंभी कहते हैं, जड़ कहते हैं, कचरा हम लोग साफ कर रहे हैं, ताकि आने वाले 100 वर्षों तक जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का अवस्था न हो, पानी शुद्ध रहे, इसमें पानी अच्छा दिखे, और इसमें हम बोटिंग कार्ड भी कर सकते हैं, हम चाहेंगे बोटिंग करना, जब पानी अच्छा रहेगा तो इसमें बोटिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तालाब की सफाई भी हो रही है, गहरीकरण भी हो रहा है, और चारों तरफ जिसको देख रहे हैं आप, हम लोग पिचिंग कार्य कर रहे हैं, चारों तरफ रेलिंग लगेगी, चारों तरफ लाइट की व्यवस्था होगी, हाई मास्क की व्यवस्था होगी, और जैसा नाम शंकर तालाब है उसके अनुरूप यहाँ पर भगवान शंकर जी की स्थापना करके यहाँ पर फव्वारे की व्यवस्था की जाएगी। तालाब के अंदर भी जैसे बड़े शहरों में तालाब के अंदर फव्वारा होता है भोपाल में जैसा है, उस तरह से 2 फव्वारे अलग से और व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो है वारा सिवनी जिस प्रकार से हमने यहाँ गार्डन बनाया महात्मा गांधी, तो उसी तारतम्य में ये तालाब भी जो है इसका सौंदर्य देखने लग रहेगा। वारा सिवनी के अलावा मुझे लगता है पूरे जिले के लोग भी तो देखने के लिए यहाँ पर आएंगे, इस तरह से बनाने का प्रयास होगा। आपने कहा कि आपने इसके लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई है, क्या ये 1 करोड़ की राशि इतने सारे कार्यों के लिए पर्याप्त है? कम है ये, हमारा ये ख्याल था जैसे जैसे काम होगा इसके अलावा हम खनिज विभाग के माध्यम से और विधायक निधि के माध्यम से और भी राशि, इसमें कोई राशि कमी नहीं आएगी, काम पूरा होगा इसका, और जो राशि लगेगी उसको बाद में व्यवस्था की जाएगी। अभी इसमें कोरोना के चलते काम रुका, अन्यथा मैं मानता कि अब तक काम पूरा हो जाता, लेकिन कोरोना के चलते प्रभावित हुआ काम, लेकिन कोरोना के बाद लगातार तेज गति से हम प्रयास कर रहे हैं कि वर्षा काल के पहले तालाब के अंदर का काम हो जाए, तालाब के बाहर का जो काम है वो तो इतना ज़्यादा काम है कि वो तो काम चलता रहेगा, क्योंकि चार तरफ रेलिंग भी लगना है, लाइट भी बहुत अच्छी किस्म की लाइट लगेगी, हाई मास्क लगेगा, बहुत सारे काम इसमें हैं जो आगे आने वाले समय पर राशि की व्यवस्था की जाएगी और काम किया जाएगा। 15 जून के बाद से जो है बरसात जो है लगातार चालू रहेगी, तो उसके पहले क्या ये जो सफाई का कार्य कम से कम पूरा हो जाएगा? ये लगभग हो जाएगा पूरा, इसमें इसीलिए हमें इस बार तालाब को भरा नहीं पानी चाहिए, हर साल तालाब भरता है, इस साल हमने तालाब को रोका कि इसको भरा नहीं जाए ताकि अंदर की जो सफाई है वो हो जाए। तो ये सब आपको बता दें कि इस तालाब के पुनः निर्माण से जहाँ वारा सिवनी नगर का जल स्तर सुधरेगा, वहीं सिंचाई प्रणाली को भी
बेहतर करने में मदद मिलेगी। साथ ही नगर के नागरिक यहाँ सुबह शाम और सैर सपाटा भी कर सकेंगे। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।